हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे दही वड़ा, जिसे बनाना बेहद आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। दही वड़ा बनाने के लिए हम लेंगे मसाला, आप देख सकते हैं। ये मैंने उड़द का दाल लिया है, ये 250 ग्राम है। इसे मैंने 2-3 घंटे तक भिगा कर रख दिया था, ये आप देख सकते हैं। जब ये इस तरह का हो जाए, नाखून से टूटने लगे, तो मतलब ये रेडी है। अब हम इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट तैयार करने के लिए हम पानी का बहुत कम यूज़ करेंगे। पानी हमें इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना है, बस इसे थोड़ा ही पानी ऐड करना है। इसे आप देख सकते हैं, मैंने पेस्ट तैयार कर ली हूँ। बस ये कुछ इस तरह का पेस्ट होना चाहिए, जैसे कि हम चम्मच में उठाएं तो ये आसानी से गिरे नहीं, थोड़ा वक्त लगे इसे गिरने में। ये देखिए फ्रेंड्स, बस बिल्कुल ऐसे ही हमें पेस्ट तैयार करना है। अब हम इसमें एक चम्मच सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे हमें 5 मिनट तक हाथों से फेंट लेना है। हमें एक ही तरफ से इसे फेंटना है, दोनों साइड से नहीं फेंटना है, सिर्फ एक ही साइड से। इसे हम अच्छे से फेंट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। अब हम दही वड़ा में ऐड करने के लिए मसाले तैयार करेंगे। मसाले बनाने के लिए हम लेंगे 1 खाने की चम्मच जीरा। इसे हम ड्राई रोस्ट करना है, 2 से 3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। उसके बाद हम लेंगे सूखा धनिया 2 बड़ा चम्मच, इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे 2 मिनट, इसे भी हमें रोस्ट करना है। उसके बाद हम लेंगे तीखी लाल मिर्च सूखी वाली, इसे भी हम रोस्ट करेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद इन सभी चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करके इसका हम फाइन पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा पॉट, उसमें हम आधा लीटर पानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। उसके बाद आधे टीस्पून हींग ऐड करेंगे और इसे हम एक बॉयल आने तक पका लेंगे। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रोसेस पर। दाल जो हमने पेस्ट तैयार किया था, वो भी देख सकते हैं आप, आधे घंटे बाद ये फूल के डबल साइज़ में हो गया है। अब हम इसे एक बार फिर से फेंटेंगे हाथों की मदद से, और एक ही तरफ से इसे हमें फेंटना है। फेंट कर तैयार हो चुका है। अब हम इसे छोटे छोटे आकार में फ्राई करेंगे। ऑयल मैं पहले ही रख दी थी गर्म होने के लिए, ऑयल गर्म है। अब हम इसमें एक एक लोई बनाकर डालेंगे छोटे छोटे, जैसे हम भजिया या पकौड़े छानते हैं, बस उसी तरह से हमें इसे तेल में फ्राई करना है। भजिया या पकौड़े छानते हैं, बस उसी तरह से हमें इसे तेल में फ्राई करना है। एक साइड से फ्राई हो चुका है, अब हम इसे पलट लेंगे। इसे भी हम फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। ये फ्राई हो चुका है, मैं जो पानी बॉयल की थी उसी पानी में मैं इसे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए। आई एम सो सॉरी, बट मैं जब दही फेंट रही थी और इसकी तीखी मिठनी सी चटनी बना रही थी, तो उसका वीडियो मिस हो गया, इसके वजह से मैं आपको नहीं दिखा पाई। इसके लिए आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट टाइम आपको फुल रेसिपी वीडियो मिल जाएगी। जिसको फुल रेसिपी वीडियो चाहिए, वो वीडियो में कमेंट करें, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि मैं इसकी नई रेसिपी जब भी मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।